चलो, हाय वर्ल्ड, एज यू नो दैट आई एम राहुल आनंद। तो सबको पता है ना नाम क्या है? राहुल आनंद। तो दरअसल आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक से डील करेंगे, ठीक है ना, जो कि दरअसल कौन सा चैप्टर से लिटरली बिलोंग करता है। सो दीज आर प्रोबेबली बिलोंगिंग फ्रॉम योर चैप्टर ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये चैप्टर दरअसल जो है सिलेबस में कौन लेसन से बिलोंग करेगा? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले यहाँ जिस ऑर्गन की हम बात करने वाले हैं वो है हम लोग का आई, ठीक है ना। तो आई क्या होता है? आई इज द स्पेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर व्हिच आर लिटरली बीइंग प्रेजेंट इन टर्म ऑफ द पेयर। क्या बोले कि दरअसल आँख वैसा ऑर्गन है जो कि क्या होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले जो जो जुड़ रहा है वीडियो को देखने के लिए उसको एक बार हाय, ठीक है, और जो भी भैया सिस्टर, ठीक है ना, फ्रेंड्स लिटरली जुड़ रहा है उसको वेरी वेरी थैंक यू। और अभी कुछ पढ़ाने वाले तो इस पे ध्यान से फोकस करना, तो हल्का हल्का कुछ समझ में आएगा। लिटरली इसमें जो टॉपिक हम लोग डील कर रहे हैं ना, ये एम्स नीट के सिलेबस से बिलोंग करता है, क्लियर। तो सबसे पहले क्या बात किए कि हम लोग का एक ऑर्गेन है जिसका नाम क्या है, आई। तो आई इज प्रोबेबली दैट ऑर्गेन व्हिच एग्जिस्ट इन पेयर, फाइन। तो आँख दरअसल ऐसा ऑर्गेन है जो कि पेड़ में एग्जिस्ट करता है, मतलब सिंगल नहीं रहता, दो रहता। हाँ, अब आगे बोलेंगे कि आई, सो आई इज द प्रोबेबली स्ट्रक्चर व्हिच इज फाउंड वेयर। सो आई इज पार्टिकुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट इन टर्म ऑफ योर स्कल विद रेफरेंस टू द होलो स्ट्रक्चर एंड दीज आर प्रोबेबली नोन एज द ऑर्बिट, क्लियर हुआ। तो दरअसल हमारे शरीर में जो बोन का ढांचा है जिसको हम लोग बोलते हैं कि दीज बोन्स आर ऑफनली प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड एक्चुअली द फ्रेमवर्क मैकेनिज्म विद रेफरेंस टू आवर बॉडी। तो जैसे कि मान के चलो हम लोग का एक बैग है, तो बैग में जैसे बुक रख देते हैं तो उसमें वेट हो जाता और उसको एक टेक्सचर मिल जाता, लेकिन अगर उसको फिर रोटेट करने का कोशिश करेंगे बैग को बिना बुक डाले हुए, तो वो क्या होगा, इजिली मूव कर जाएगा, इजिली रोटेट कर जाएगा। बट मान के चलो अगर उसमें बुक डालिए तो काफ़ी हद तक हल्का स्ट्रेंथ आ जाता है। बिल्कुल उसी तरीका से जैसे अगर हम लोग के शरीर में सिर्फ मांस रहेगा तो एक लूथरा कहलाएगा, मतलब जो है एक लूज स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर कहलाएगा, जिसको स्टिफनेस देने के लिए हम लोग बोन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो बोन्स को क्या बोला गया है, दरअसल जो हमारे शरीर में बोन्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बोन्स प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क विद रेफरेंस टू आर बॉडी। तो शरीर में जो स्केलेटल सिस्टम है, तो प्रोबेबली हमारे पास स्कल भी है। तो बोल सकते हैं आई इज दैट ऑर्गेन व्हिच लिटरली एग्जिस्ट इन पेयर एंड ऑफनली आवर आईज इज प्रेजेंट इन टर्म ऑफ द स्कल विद रेफरेंस टू द होलो और आइदर द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, फाइन। तो इसको क्या बोल देते हैं, ऑर्बिट, मतलब क्या हुआ, जो भी हमारे स्कल में कुछ होलो लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जहाँ पे हम लोग का आँख बेसिकली लोकलाइज्ड रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि दरअसल हमारा जो आई का कंपोनेंट है ना, वो तीन भागों में बटा हुआ है, और क्या क्या है नाम, तो एक है स्कलराइट, देन कोचरोइड, देन प्रोबेबली द रेटिना। क्या क्या बोले, हम लोग का जो आँख है दरअसल आई, वो थ्री पार्ट्स में बटा हुआ है। एक क्या है, स्केलरा, दूसरा है कोचरोइड, और तीसरा क्या है, तीसरा है रेटिना। तो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं किसके बारे में, यहाँ हम लोग बात करेंगे हियर, हियर मीन्स इन टर्म ऑफ व्हाट, फाइंड ईयर, ये टॉपिक है अपना कॉर्निया। तो बेसिकली आँख थ्री पार्ट में बटा हुआ है, और ये सभी पार्ट जो है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म हमारे आँख के रोल में है, जो कि विजुअल रिसेप्टर्स को लिटरली ट्रैक करता है, ठीक है। तो क्या बताए, हमारी जो ये है आई है उसमें थ्री पार्ट में बटा हुआ है हम लोग का आँख, क्या है, स्केलरा, देन कोचरोइड, देन रेटिना। तो यहाँ पे जो टर्म हम लोग बेसिकली डील करने वाले हैं वो क्या है, वो ये है, देखना, कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया इज द एंटीरियर पोर्शन विद रेफरेंस टू द आई, क्लियर। एंटीरियर पोर्शन कहने का मतलब क्या हो गया, ये बेसिकली कंपोजिशन एज वेल एज उस एरिया में रहता है, मतलब लिटरली इनक्लोज डायरेक्शन वाले पोर्शन में रहता है। तो हियर मेंटम ऑफ व्हाट, द कॉर्निया इज दोज पार्टिकुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज बीइंग प्रेजेंट इन टर्म ऑफ योर एंटीरियर पोर्शन विद रेफरेंस टू व्हाट,
विद रेफरेंस टू दैट पार्ट व्हिच इज लिटरली हैविंग द लैक ऑफ ब्लड वेसल्स. कहने का क्या मतलब है कि कॉर्निया दरअसल वैसे एंटीरियर पोर्शन वाले इलाके में रहता है जहाँ ब्लड वेसल्स, मतलब क्या हुआ, खून वाली नली की कंपोजिशन क्या होती है, कम से कम होती है. फाइंड हियर, देखना इधर लिखा है कॉर्निया इज द पोर्शन और आइदर द ट्रांसपेरेंट पोर्शन. और किसके भाग हैं ये दरअसल, ये हमारे आई के भाग है जहाँ पे क्या होता है ब्लड वेसल्स नहीं होगा. तो इसको अंग्रेजी में क्या बोल दिया गया, आई इज दोज ट्रांसपेरेंट पोर्शन और आइदर दोज ट्रांसपेरेंट एंटीरियर पोर्शन विच इज लिटरली हैविंग द स्कैरसिटी और आइदर द लैक ऑफ ब्लड वेसल्स. फाइन. और दूसरे टर्म में जब बात करेंगे हम लोग कॉर्निया की, तो दरअसल क्या हो जाता है कॉर्निया, कॉर्निया इज द एंटीरियर पोर्शन विद रेफरेंस टू योर हियर इन टर्म द स्केलरा. मतलब क्या हुआ, दरअसल स्केलरा के कुछ हिस्से भाग में या फिर नज़दीक वाले भागों में जो एक पोर्शन और आइदर द आई स्ट्रक्चर का कंपोनेंट पाया जाता है उसका नाम क्या है, क्या है, ये दरअसल कॉर्निया. अब तीसरे पार्ट में जब हम लोग बात करते हैं कि इस कॉर्निया को भी कुछ अमाउंट में न्यूट्रिशन और फूड की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे मान के चलो कोई ऑर्गेनिज्म का शरीर है तो उसको एनर्जी के लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ ओवरऑल मैकेनिज्म से उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. तो वो बाहर के मैकेनिज्म्स या फिर जो है एंजाइम्स या फिर मान के चलो बायोकैटलिस्ट अनदर एजेंट से क्या करता है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेता है. तो जो दरअसल हमारे कॉर्निया है ना वो भी ये न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर लेता है. कैसे, तो कॉर्निया प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल टू ऑब्टेन द न्यूट्रिशन विच इज लिटरली बींग प्रजेंट इन टर्म ऑफ द लिम्फ विद रेफरेंस टू वाट, विद रेफरेंस टू द नियर बाय लोकेशन और आइदर द नियर बाय एरिया. मतलब क्या हुआ कि जो दरअसल हम लोग का कॉर्निया है वो उसको भी न्यूट्रिशन और पोषक तत्व की हल्की रिक्वायरमेंट होती है जो कि वो लिम्फ वाले इलाकों से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर लेता है जो कि अगल बगल रीजन में प्रजेंट रहता है. पहले भी बताए थे कि दरअसल लिम्फ क्या है, तो एक हम लोग का लिम्फेटिक सिस्टम है जो कि हमारे शरीर में बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में अहम भूमिका, अहम रोल प्रोवाइड करता है. तो क्या क्या है वो, दरअसल बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स. और जो हम लोग का लिम्फ्स है वो दरअसल क्या होता है, एक ब्लड वेसल्स या फिर पाइप नुमा आकार का होता है जिससे न्यूट्रिशियस कंपोनेंट लिटरली फ्लो करता है. तो सबसे पहले हम लोग का हो गया ब्लड वेसल्स जिससे खून का प्रोडक्ट पास करेगा या फिर खून पास करेगा, जैसे कि आर्टरी वेन. उसी तरह से लिम्फ है जिससे हल्का हल्का जो है ना इम्यूनिटी का कंपोनेंट, जैसे हो गया वाइट ब्लड सेल का कंपोनेंट, लिटरली थ्रू आउट या फिर फ्लो करता है. तो हियर इन टर्म ऑफ व्हाट दीज ऑर्गन्स मीन इन टर्म ऑफ द कॉर्निया आर लिटरली प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल टू ऑब्टेन द न्यूट्रिशन और आइदर द ओवरऑल नरिशमेंट और आइदर द न्यूट्रिशंस आर लिटरली बीइंग प्रोवाइडेड विद रेफरेंस टू द लिम्फ व्हिच आर लिटरली बीइंग प्रेजेंट इन टर्म ऑफ द ओवरऑल एज वेल एज द नियर लोकेशन. ठीक है ना, जब बात करते हैं कॉर्निया की, सो योर कॉर्निया इज लिटरली बीइंग हियर इन टर्म ऑफ द बल्गिंग आउटवर्ड डायरेक्शन. सो कॉर्निया इज बेसिकली दोज ऑर्गन व्हिच आर लिटरली बीइंग प्रेजेंट एज वेल एज ओवरऑल दीज आर प्रोबेबली हैविंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बल्गिंग आउटवर्ड डायरेक्शन. फाइंड हियर, ये देख लेना कॉर्निया इज स्लाइटली बल्गिंग आउटवर्ड डायरेक्शन. तो ये दरअसल क्यों होता है कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में बल्गिंग क्या होता है, क्यों होता है. सो कॉर्निया इज बेसिकली फोकस्ड इन टर्म ऑफ योर आउटवर्ड डायरेक्शन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंटली प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल टू ट्रैक द लाइट रेज व्हिच इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर ओवरऑल एकोमोडेटिंग द लाइट. ठीक है, तो जो दरअसल हम लोग का एक अंग है कॉर्निया, ये हल्का स्लाइटली आउटवर्ड बल्ग होता है. मतलब इसका साइज क्या हो जाएगा, जो है ना जो हम लोग का स्पून रहता है वो बेसिकली क्या होता है, बल्गिंग आउटवर्ड डायरेक्शन का मतलब है. या फिर मान लीजिए कोई इंसान है जिसके पेट निकल जाते, हमारा तो नहीं निकला लेकिन जिसका निकल जाता है पेट, तो उनको बोल देते हैं स्टोमिक लिटरली बल्ग्ड आउट. मतलब क्या हुआ, जो स्टोमिक का कंपोजिशन सेपेंट साइज था वो ओवरऑल फैल गया, जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है ना कॉर्निया इज स्लाइटली बल्ग्ड आउटवर्ड हेल्पफुल फॉर फोकसिंग द लाइट रेज. ठीक है, और बाद में ये लिख दिया है एकोमोलेशन ऑफ लेंस. तो क्या हुआ मतलब इसका, कि जो हम लोग का दरअसल कॉर्निया है हल्का बल्गिंग आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड रहता है, हल्का बाई बल्गिंग आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है ना आउटपुट रहता है, दरअसल प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल टू
ट्रैक डाउन द लाइट रेज, मतलब जो भी रोशनी आएगी ना उस पर अच्छी तरह से फोकस होगी, जिसके बाद इसका एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है इमेज फॉर्मेशन सारे केसों में। उसके बाद हम लोग क्या जाने, उसके बाद हम लोग जाने कि दीज आर प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन टर्म ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लेंस, मतलब क्या हुआ लेंस के जगह वाले हिस्सों में इन ऑर्गेन्स का प्रेजेंस होता है, और ये थोड़ा सा बल्गिंग आउटवर्ड डायरेक्शन का होता है जो कि अलग अलग तरह का लाइट रेज को ट्रैक डाउन और फोकस करने में प्रॉब्ली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग कि क्या मेन टर्म ऑफ द कॉर्निया, ये कॉर्निया लिखा हुआ है ना ये, तो कॉर्निया आर द थिन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर थ्रू इज द लाइट इंटर्स। फाइन, तो कॉर्निया क्या है, बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेन है आंख वाले रीजन में प्रेजेंट है, जो दरअसल क्या करता है एक ऐसा रीजन है जहां से क्या होगा लाइट रेज लिटरली इंटर करेगा। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोल दिया, कॉर्निया आर दोज पार्ट्स प्रोबेबली बेसिकली बीइंग लोकेटेड इन टर्म ऑफ द आई रीजन थ्रू इज द लाइट रेज बेसिकली पासेस। फाइन, ईयर थिन मेम्ब्रेन भी बोल सकते, ये लिखा होगा कॉर्निया थिन मेम्ब्रेन थ्रू इज द लाइट इंटर्स, मतलब क्या हुआ कॉर्निया दरअसल क्या है एक पतले पर्दे नुमा आकार का झिल्ली नुमा आकार का चीज है जिससे क्या होगा लाइट इंटर करेगा। तो यहाँ हम लोग तीन चीज़ों को समझने का बेसिकली कोशिश किए थे कि हम लोग का कॉर्निया क्या है, उसके बाद हम लोग समझे कि कॉर्निया दरअसल क्या है, कॉर्निया इज अ थिन डेलिकेटेड मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, मतलब क्या हुआ थिन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर मतलब पतला झिल्ली नुमा पर्दे नुमा आकार का चीज होता है जिससे लाइट रेज बेसिकली क्या करेगा इंटर कर जाएगा। क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग क्या है हम लोग का दूसरा है हम लोग का सिलियरी बॉडी। फाइन, तो सिलियरी बॉडी इज लिटरली दोज पोर्शन इन टर्म ऑफ योर आईज विच इज बीइंग कंपोज्ड ऑफ द सिलियरी मसल्स एज वेल एज द अदर सिलियरी वेसिकल्स और अदर द बॉडी वेसिकल्स। तो कहने का क्या मतलब है, जो दरअसल हम लोग का एक ऑर्गेन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं सिलियरी बॉडी, वो किन किन चीज़ों से मिला हुआ है या फिर किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो ये सिलियरी बॉडी दरअसल बना हुआ है सिलियरी मसल से और ब्लड वेसल से। फाइंड ये देख लेना यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, ये ऑर्गेन दरअसल किससे बना है सिलियरी बॉडी और ब्लड वेसल से। और जब हम लोग बात करते हैं सिलियरी मसल्स का तो या फिर सिलियरी बॉडी का, तो सिलियरी बॉडी आर बेसिकली दोज ऑर्गेन ऑफ द आई विच आर बीइंग मेड अप ऑफ द एंटीरियर पोर्शन ऑफ योर स्केलरा। ठीक है, मतलब क्या हुआ दरअसल जो हमारा सिलियरी बॉडी या फिर सिलियरी का पार्ट है वो किससे बना हुआ है, वो बना हुआ है एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्केलरा। ठीक है, तो स्केलरा क्या होता है, जो हम लोग का आई है पहले भी बताए कि वो तीन भागों में बटा हुआ है, एक है स्केलरा, दूसरा है कोचरॉइड और तीसरा है रेटिना। तो जो स्केलरा है ना वो आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू सबसे बना हुआ रहता है, कौन सा ऑर्गेन आई का स्केलरा। देन फाइनली वी आर हैविंग व्हाट ऑर्गेन लिटरली, सो इन फाइनल वी आर हैविंग द रेटिना। तो जब बात करते हैं हम लोग कि हमारी ये मिनिटम ऑफ व्हाट मिनिटम ऑफ द ऑर्गेन ऑफ द सिलियरी बॉडी इज बीइंग कंपोज्ड ऑफ व्हाट व्हाट थिंग्स और आइदर द सिलियरी बॉडी इज बीइंग मेड अप ऑफ व्हाट व्हाट कंपोनेंट्स। So your ciliary body are literally being made up of the ciliary muscles, then of course the blood vessels. So you could say that these ciliary body are basically bearing the ciliary muscles as well as the blood vessels and the another component as well as the structure. Find here. ये लिखा हुआ है ना other structure. और ये दरअसल basically किससे बना रहेगा, सो योर सिलियरी बॉडी आर लिटरली बींग कम्पोज ऑफ द थिन मसल्स ऑफ द कोचरॉइड ऑल्सो, इधर लिखा हुआ है कोचरॉइड से यहाँ लिखा हुआ है ना। और ये क्या करता है, इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस आर लिटरली बींग चेंज्ड बाय द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, मतलब क्या हुआ जो भी डिग्री कंपोनेंट है हम लोग का आई का वो किससे लिटरली डेविएट कर जाएगा या फिर मैनेज हो जाएगा इसी सिलियरी मसल्स से या फिर सिलियरी बॉडी से। ये है ना सिलियरी बॉडी, तो दीज सिलियरी बॉडी आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल और आर द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। देखना बोल रहे हैं कि आँख का लेंस का जो डिग्री है ना वो बेसिकली डेविएट कर जाता है इन्हीं सिलियरी बॉडी या फिर सिलियरी लेंस के कारण। अब देख लो इधर है हम लोग का लेंस, तो क्या बोले कि द शेप एंड साइज एज वेल एज द कर्वेचर, एंड कर्वेचर मीन्स व्हाट, सो
योर कर्वेचर लिटरली मीन्स द डिग्री और एंगल विच आर बींग चेंज्ड बाय द हेल्प ऑफ व्हाट बाय द हेल्प ऑफ नथिंग एल्स बट योर सिलियरी बॉडी. और इसी को फाइनली अंग्रेजी में लिखा हुआ है इधर यहाँ पे सिलियरी मसल्स मेड अप ऑफ द एंटीरियर मसल्स ऑफ द कोचरोइड. ठीक है. और आइदर ये सारा चीज किस चीज़ के मतलब जो है मूवमेंट में हेल्प करता है, तो जो हम लोग का आई लेंस का कर्वेचर है कुछ डिग्री है, इन सारे चीज़ों को चेंज करने में सिलियरी बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मतलब क्या हुआ, द सिलियरी बॉडी प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल टू चेंज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस. क्या बोले कि द सिलियरी बॉडी और आइदर द सिलियरी मसल्स डू प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल टू चेंज द हियर मेंट ऑफ द कर्वेचर ऑफ लिटरली योर आई लेंस. ठीक है ना, आँख में कोई भी ऑर्गेन इधर प्रेजेंट है इन सारे को लेंस बोल देते हैं. डायग्राम में ये देख लेना, इधर है इसका स्ट्रक्चर. किसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, आई का स्ट्रक्चर है. थर्ड कंपोनेंट, थर्ड पार्ट है हम लोग का, क्या है, आइरिस. तो लोग पहले भी आइरिस के बारे में पढ़े हैं कि आइरिस इज द पोर्शन ऑफ द आई थ्रू इज द लाइट एंटर्स. और या फिर हम लोग बोल सकते हैं आइरिस इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम विच कंट्रोल्स द साइज ऑफ योर पीपल. क्या बोले, बोले कि आइरिस दरअसल आई का वो पोर्शन है, आइरिस दरअसल आई का वो पोर्शन है जो कि मस्कुलर डायफ्राम का बना हुआ है. ठीक है ना, आइरिस द मस्कुलर डायफ्राम स्ट्रक्चर विच ओवरऑल और लिटरली कंट्रोल द साइज ऑफ योर प्यूपिल. तो हम लोग की आंखों में एक भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल. बेसिकली एक बार याद करना कि जो प्यूपिल है ना उसका मैकेनिज्म या फिर रोल क्या होता है. सो प्यूपिल एक्चुअली कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ योर लाइट. उधर से लाइट आ रहा है कुछ कुछ कैमरा का, तो चश्मा लगाया, दरअसल ये बचाता है आँखों को. ठीक है, और वाइट का भी वही बेसिकली रोल होता है. कहने का मतलब क्या है, जो हम लोग का प्यूपिल है उसका काम क्या हो जाएगा, प्यूपिल लिटरली कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट लिटरली कमिंग इन टर्म ऑफ योर आईज. फिर से सुनना, प्यूपिल इज वाट, सो प्यूपिल इज दैट ऑर्गेन बेसिकली प्रेजेंट इन टर्म ऑफ योर आई स्ट्रक्चर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल टू कंट्रोल वाट, प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल टू लिटरली कंट्रोल द साइज ऑफ योर प्यूपिल. ठीक है, सॉरी द लाइट. तो प्यूपिल दरअसल एक ऐसा ऑर्गेन है जो कि आई में प्रेजेंट है. ठीक है ना, और ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को भी कंट्रोल करता है. तो आँख में बेसिकली वैसा हिस्सा जो ब्लैक रंग का होता है बेसिकली, या फिर वो ब्लैक रंग का जो हिस्सा होता है आई में उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बेसिकली ऑफकोर्स. और वैसा पोर्शन जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बेसिकली डिटरमाइन करेगा उसको अंग्रेजी में क्या बोल देंगे, उनको बोल देंगे आईरिस, प्यूपिल. ओके, सो उसको प्यूपिल बोलेंगे. और जब बात करते हैं हम लोग व्हाट इज आईरिस, तो आईरिस इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम स्ट्रक्चर, मतलब काफ़ी हद तक गहरे नुमा रंग का स्ट्रक्चर होता है और मस्कुलर डायफ्राम स्ट्रक्चर होता है विच लिटरली कंट्रोल व्हाट, विच लिटरली कंट्रोल द साइज ऑफ योर प्यूपिल. तो जो आँख में एक पोर्शन है जिसका नाम है प्यूपिल, उन सारे को ये हेल्प करता है और क्या करता है, बेसिकली कंट्रोल ओवर करता है. फाइन, इधर देखना ये लिखा हुआ है, आइरिस इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम विच कंट्रोल द साइज ऑफ योर प्यूपिल. तो आइरिस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइरिस को हम लोग वैसा भाग भी बोल सकते हैं विच लिटरली विजुअल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई. फाइन, तो आइरिस जो है ना वैसा भाग होता है जो हम लोग को नेक्ड आई से या फिर फिजिकल अपीयरेंस से भी आई के स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाएगा. इधर भी लिखा हुआ है, ये तो बेसिकली ओपन डायग्राम है आई का, तो इधर तो मिलेगा ही. तो आइरिस इज व्हाट, आइरिस इज द विजुअल कलर्ड स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू योर आइरिस आई स्ट्रक्चर ऑफन, और आइदर यू कुड से इन इंग्लिश दैट आइरिस इज द मस्कुलर डायफ्राम स्ट्रक्चर और आइदर द डार्क मस्कुलर डायफ्राम स्ट्रक्चर. लिखा हुआ है ना, ये देखो, आइरिस इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम स्ट्रक्चर. और इसको क्या बोल दिया जाता है, आइरिस को, आइरिस को हम लोग विजुअल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई भी बोलते हैं, क्योंकि ये दरअसल वैसा भाग है जो काफ़ी हद तक रंगीला भी होता है और इसको नेक्ड आई खुली आँखों से भी देख सकते हैं या फिर जो है हल्का माइक्रोस्कोप से लेंगे यूज़, तो उसके बाद कुछ कुछ लिटरली जो है ना डिटेल ऑर्गेन भी देखने को मिल जाएगा. तो आइरिस को क्या बोला गया, आइरिस को बोला गया है विजुअल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, एंड ऑफन योर आइरिस इज डू नोन एज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम स्ट्रक्चर
विच लिटरली कंट्रोल्स द साइज ऑफ योर प्यूपिल. तो बात किए थे प्यूपिल क्या होता है. सो प्यूपिल इज दैट ऑर्गेन विच लिटरली कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. प्यूपिल का क्या करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले. प्यूपिल इज दैट ऑर्गेन विच आर लिटरली प्रेजेंट इन टर्म ऑफ योर आई और आइदर प्यूपिल इज दैट पार्ट और आइदर कंपोनेंट विद रेफरेंस इन टर्म ऑफ द ह्यूमन आई विच लिटरली कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज एंटरिंग इन टर्म ऑफ आवर आई पोर्शन और आइदर द आई रीजन. बात करते हैं तीसरे पोर्शन की. तो तीसरा पोर्शन हम लोग का क्या होता है, ये मतलब रेटिना. तो क्या बताए थे, दरअसल ह्यूमन आई जो है वो तीन भागों में बटा हुआ है. पहला जो पोर्शन जो टिश्यू से बना हुआ रहता है उसको बोल देते हैं स्कैलरा. दूसरे को क्या बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं कोचरॉइड. और तीसरे को ओवरऑल जो फाइनल स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रेटिना. उसी रेटिना के बारे में, फाइनल स्ट्रक्चर के बारे में डील करेंगे. तो रेटिना इज प्रोबेबली द बायकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर. ओके, सो द कंपोनेंट और आइदर एनीथिंग और स्ट्रक्चर व्हिच इज लिटरली बीइंग फाउंड इन टर्म ऑफ द आईज बियरिंग द बायकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर फाइन एज वेल एज प्रोबेबली बियरिंग द क्रिस्टल एज वेल एज द इलास्टिक फॉर्म लाइक रिजेम्बलेंस विद रेफरेंस टू योर आई कंपोनेंट. सो दीज आर बेसिकली नोन एज व्हाट, सो दीज आर बेसिकली नोन एज द रेटिना. कहने का मतलब क्या है कि रेटिना एक क्रिस्टल नुमा, मतलब छोटे से जो है जैसे डायमंड का क्रिस्टल होता है ना, उसी तरह से सुगर क्रिस्टल भी होता है. उसके बाद है कुछ इलास्टिक पोर्शन. तो इलास्टिक के बारे में हल्का हल्का सबको पता होगा, जैसे एक होता है नेचुरल फाइबर, उसी तरह से होता है इलास्टिक फाइबर. तो ये कंपोनेंट है. उसके बाद तीसरा में हम क्या बताए थे कि लिटरली बॉल लाइक स्ट्रक्चर एज वेल एज व्हाट, एज वेल एज द रेटिना इज ओवरऑल नोन एज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एज वेल एज नथिंग एल्स बट प्रोबेबली व्हाट, बट प्रोबेबली हियर मेन टर्म द बॉल लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर एज वेल एज दीज बियरिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स एज वेल एज दीज आर ऑफन नोन टू हैव द इलास्टिक रिजेम्बलेंस विद रेफरेंस टू इट्स स्ट्रक्चर. नाउ तो अब नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है कि कुछ पोर्शन है, मतलब क्या हुआ, लिगामेंट का चीज है जो कि दरअसल इन लेंस का पोजीशन को या फिर रेटिना को पोजीशन को सेव करने में अहम भूमिका प्रदान करता है. क्या बोले, इंग्लिश सब्सिडरी लिगामेंट. व्हाट, सो देयर आर सम काइंड ऑफ द सब्सिडरी लिगामेंट व्हिच आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर व्हाट. सो देयर आर सम काइंड ऑफ द सब्सिडरी लिगामेंट व्हिच इज प्रोबेबली बीइंग अटैच्ड विद रेफरेंस टू द सिलियरी बॉडी प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर पोजिशनिंग द लेंस. ठीक है, ये हम लोग का आई का डायग्राम है. तो इसमें होगा क्या, इसमें होगा सब्सिडरी लिगामेंट. अब जब बात करेंगे कि लिगामेंट क्या होता है, देखो जैसे हम लोग का टू बोन्स है ना, मान के चलो इधर पे जो लेग्स का रीजन है उधर में फीमर सबसे लंबा जो बोन हो जाता है, उसके बाद फिर अलग अलग बोन्स है. ठीक है, या फिर इधर ही बात कर लो, ये वाला बोन्स है इधर बोन्स है, तो दोनों के बीच में कुछ अमाउंट ऑफ जो है ना कनेक्टिव लिंक पाया जाता है जिसको अंग्रेजी में बोल दिया जाता है लिगामेंट. तो लिगामेंट क्या है दरअसल, लिगामेंट इज एक्चुअली द फ्यूज स्टेट विद रेफरेंस टू योर बोन्स एंड मसल्स. फिर से सुनना, व्हाट इज एक्चुअली लिगामेंट. ठीक है, तो लिगामेंट इज नथिंग बट एक्चुअली द फ्यूज स्टेट ऑर्गेन और आदर द पार्ट विद रेफरेंस टू द बोन एंड द मसल्स. तो वैसा पार्ट है जो कि दरअसल फ्यूज स्टेट है बोन्स और मसल्स का. मतलब क्या हुआ, इसमें दोनों की खूबी होगी. क्या क्या खूबी हो सकती है, तो वी नो दैट वी आर हैविंग द मसल्स इन टर्म ऑफ आवर हार्ट. ठीक है, बेसिकली हमारे जो धड़कन है, दिल है, वो कार्डिक मसल्स का बना हुआ. तो उनका काम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है और कुछ रिदमेटिक कंट्रोल है. ठीक है ना, सा नोड ला नोड्स, उसके बाद तुमको हो गया जो कार्डिक मसल्स का वो बना है, उसको आगे देखते हैं. अलग अलग ऑर्गन्स उसमें भी प्रेजेंट है. बट कहने का मतलब क्या है, व्हाट इज एक्चुअली लिगामेंट. सो लिगामेंट इज द फ्यूज्ड स्टेट विद रेफरेंस टू योर बोन्स एंड प्रोबेबली मसल्स. ठीक है ना, जैसे हम लोग का पैर है, फीट है, लेग है, तो उसके बीच में कुछ पोर्शन जो है लिगामेंट का अटैच किया रहता है. जैसे हम लोग का फीमर बोन है ना, सबसे लंबा बोन, उसके बाद नीचे में बोन है, उसी तरह इधर रेडियस अलना, उसके बाद हीमर. इधर ही मान लो जैसे रेडियस अलना इधर है लगा हुआ और इधर है अपना हीमर बोन. अभी बॉडी नहीं बनाया जिसको मसल्स देखना है, वो बाद में देखना, जिम अभी नहीं करता मैं. तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दरअसल हीमर. और इधर क्या हो गया हम लोग का रेडियस अलना.
तो ये जो बीच वाले ज्वाइंट में कुछ कुछ फ्यूज्ड स्टेट पाया जाता है बोन्स और मसल्स का, तो उसको क्या बोल देते हैं, बेसिकली लिगामेंट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इन दिस केस ऑफ द आई, वी डू हैव दीज लिगामेंट्स. ओके, सो यू कुड से दैट वी आर हैविंग द सब्सिडरी लिगामेंट व्हिच आर पार्टिकुलरली, सो द सब्सिडरी लिगामेंट व्हिच आर पार्टिकुलरली बीइंग अटैच्ड विद रेफरेंस टू योर सीलियरी बॉडी, किसके साथ अटैच रहेगा, सीलियरी बॉडी के साथ. प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर पोजिशनिंग व्हाट, प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर पोजिशनिंग द लेंस. फाइन, नाउ इधर लिखा हुआ होगा, ये देख लो, लेंस का पोजिशनिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अब द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आर लिटरली बीइंग फॉर्म्ड इन टर्म ऑफ योर लेंस. तो जो भी हम लोग का ये है ना लेंस, ये लेंस लिखा, उसमें कौन सा इमेज बनेगा, तो हमारे लेंस पे दरअसल आई लेंस पे रियल एंड इन्वर्टेड उल्टा बनता है, उसके बाद जो अपना रेटिना है ना वो प्रोसेस करके उसको क्या बनाता है, सीधा बनाता है. अब इधर फिजिक्स का मैकेनिज्म काम करता है, मिरर का चैप्टर है लेंस वाला, उसको हम बाद में डील करते हैं, तो ठीक है. लेकिन ये जानना कि जो भी हम लोग का आई है और यहाँ जो हम लोग का लेंस प्रॉब्ली है, यहाँ पे लेंस, इस पे जो पार्टिकुलरली स्ट्रक्चर बनेगा वो दरअसल क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड लिखा है ना, रियल एंड इन्वर्टेड. अब बात करते हैं आगे. सो प्रोबेबली वी आर हैविंग द आई बॉल, जो आँख का जो पार्टिकुलर स्पेरिकल नुमा स्ट्रक्चर है, इन सारे को डिटेल में बोला गया आई बॉल. सो योर आई बॉल इज प्रोबेबली बींग डिवाइडेड इन टर्म ऑफ द टू चैम्बरियस लाइक स्ट्रक्चर प्रोबेबली नोन एज वॉट. सो दीज टू चैम्बर आर पॉपुलरली नोन एज द एंट्रियर वॉट मिनट ऑफ द, हिंदी में समझते हैं, एक को बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर, दूसरे को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं एंट्रियर ह्यूमस और एक को बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर. प्रोबेबली एक को बोल देंगे एक्वस ह्यूमर, दूसरे को बोलेंगे एक्वस ह्यूमर और दूसरे को बोलेंगे विट्रियस ह्यूमर. तो वही चीज़ इधर भी लिखा है, यहाँ पे बोल रहे हैं एंट्रियर एक्वस, दूसरे को क्या बोल रहे हैं पोस्टीरियर विट्रियस, ठीक है. तो द आई बॉल इज प्रोबेबली बींग डिवाइडेड इन टर्म ऑफ द टू चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर लिखा है ना, द आई बॉल इज बींग डिवाइडेड इन टू द टू चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर. तो बेसिकली जो हम लोग का आई बॉल है उनमें लेंस का कुछ पोजिशन है, कुछ रिजेम्बलेंस है, जो कि दरअसल डिवाइड किया हुआ है दो कंपोनेंट दो पार्टों में. और ये क्या क्या है, टू चैम्बर प्रोबेबली एंट्रियर एक्वस एंड विट्रियस पोस्टीरियर विट्रियस, ये लिखा है ना एंट्रियर एक्वस पोस्टीरियर विट्रियस. तो जो बीनीथ वाले रीजन में पाया जाएगा उन सारे को बोल देंगे एंट्रियर एक्वस, और जो अपर पोर्शन में पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पोस्टीरियर विट्रियस. फिर से सुनना, जो कुछ बीनीथ वाले पोर्शन में पाया जाएगा उसको बोल देंगे एंट्रियर एक्वस, जो कुछ जो है सुपीरियर इलाके में पाया जाएगा आँख वाले रीजन का उसको बोलेंगे पोस्टीरियर विट्रियस. अब बात करते हैं पोस्टीरियर विट्रियस की. सो व्हाट आर एक्चुअली द पोस्टीरियर विट्रियस. सो पोस्टीरियर विट्रियस इज प्रोबेबली द स्पेस बिटवीन व्हाट ऑर्गेन और आइदर द कंपोनेंट ऑफ योर आई. सो विट्रियस ऑर्गेन विट्रियस जो है वो दरअसल प्रेजेंट रहता है कहाँ कहाँ रीजन में, लेंस टू रेटिना वाले रीजन में, ठीक है. तो एंट्रियर एक्वस था और पोस्टीरियर विट्रियस था, वही चीज लिखा है क्या, पोस्टीरियर विट्रियस. हाँ, तो पोस्टीरियर विट्रियस का जो इलाका है दरअसल वो कौन सी जगह के स्पेस को माना गया. सो पोस्टीरियर विट्रियस इज बेसिकली द स्पेस विद रेफरेंस टू योर लेंस एज वेल एज द रेटिना. और लेंस और रेटिना किसका कंपोनेंट है, किसका भाग है, वो दरअसल हमारे आई स्ट्रक्चर का भाग है. फिर से सुना, जो भी पोस्टीरियर विट्रियस की बातें हो रही है ना वो किस स्पेस को माना गया है. पोस्टीरियर विट्रियस इज प्रोबेबली द स्पेस व्हिच इज लिटरली बीइंग फाउंड इन टर्म ऑफ योर लेंस एज वेल एज द रेटिना. तो जो स्पेस प्रोबेबली 1 पॉइंट टू 2 सेकेंड पॉइंट तक का जो स्पेस है उसके बीच में कुछ जेलिनुमा लाइक स्ट्रक्चर या फिर फ्लूड नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है उनको बोल देते हैं हम लोग क्या, पोस्टीरियर विट्रियस. क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर विट्रियस. सो फाइनली द पोस्टीरियर विट्रियस इज एक्चुअली व्हाट. सो पोस्टीरियर विट्रियस इज दॉट इज दोज रीजन और आइदर द स्पेस बिटवीन योर लेंस एज वेल एज विच कंपोनेंट ऑफ द आई द रेटिना. सो यू कुड से दैट द पोस्टीरियर विट्रियस इज नथिंग बट
इट इज द जेली लाइक स्ट्रक्चर और आदर द जेली फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर. ओके, सो जो पोस्टीरियर विट्रियस है वो क्या हो जाता है, जेली फ्लूड लाइक स्ट्रक्चर का होता है. मतलब कोई तरल पदार्थ जो आंख के कंपोनेंट में इन सारे स्पेस के बीच में पाई जाती है, मतलब लेंस से रेटिना के बीच वाले स्पेस में, इन स्ट्रक्चर के बीच में लिखा होगा लेंस और रेटिना, उनके बीच में कोई भी तरल चीज दो जो दरअसल पाई जाएगी लिक्विड नुमा पदार्थ, तो इन सारे को क्या बोलते हैं, क्या पोस्टीरियर विट्रियस, क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर विट्रियस. हम लोग का ये जो है ना एंट्रियर एक्वस, या फिर इसको एक्वस ह्यूमर भी बोला जाता है. तो इनका काम क्या होता है, एंट्रियर एक्वस का. सो योर एंट्रियर एक्वस इज नथिंग बट इट इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस विद रेफरेंस टू योर आई स्ट्रक्चर. ठीक है, तो जैसे हम लोग का आई है उसमें बेसिकली वैसा कंपोनेंट जो कि फ्लूइड का बना हुआ है और उसमें ज़्यादातर रिजेम्बलेंस वाटर पार्टिकल्स का है, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर या फिर एंट्रियर एक्वस. क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं एंट्रियर एक्वस या फिर एक्वस ह्यूमर. बेसिकली इट इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस विद रेफरेंस टू द सर्टेन प्रेशर्स व्हिच आर एक्सर्टेड इन टर्म ऑफ योर दीज आई कंपोनेंट. और जब बात करेंगे एंट्रियर हियर मिन टर्म ऑफ द एंट्रियर एक्वस रादर द एक्वस ह्यूमर, तो ये एंट्रियर एक्वस और द एक्वस ह्यूमर किन रीजन में पाया जाएगा, बेसिकली इस रीजन में. अभी देख लेना आई, इधर पता चल जाएगा. ये जो अपना कॉर्निया है और ये लेंस है, इस कॉर्निया और लेंस के बीच में जो एक फ्लूइड पार्टिकल्स जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर या फिर ये मतलब क्या हुआ एंट्रियर एक्वस. और पोस्टीरियर पोस्टीरियर विट्रियस वाला इलाका क्या हो जाता है, सो पोस्टीरियर विट्रियस वाला इलाका वो हो जाता है वैसा स्पेस जो बेसिकली किन किन रीजन में पाया जाएगा, वैसा स्पेस जो बेसिकली लेंस से रेटिना के बीच में, मतलब हुआ लेंस से रेटिना के बीच में जो भी कुछ तरल पदार्थ बेसिकली पाया जाएगा उनको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, उनको बोलेंगे पोस्टीरियर विट्रियस. ओके, एंड दीज आर ऑफन द जेली लाइक स्ट्रक्चर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकेंड केस अबाउट द एंट्रियर एक्वस और आदर द एक्वस ह्यूमर, सो योर एक्वस ह्यूमर इज being made with reference to the water molecules, ज़्यादातर जो उसका component है anterior aqueous या फिर anterior aqueous या फिर aqueous humor का, basically being made with reference to the water component. इसका काम क्या है, water balance या फिर जो है ना pressure को maintain करना. किन space के बीच में ये पाया जाएगा, वो इस space के बीच में पाया जाएगा, ये cornea और lens के बीच में जो space है इसके बीच में अगर कोई fluid पाया जाता है ना, इनको क्या बोल देते हैं, इसको दरअसल क्या बोलते हैं, ये एक्वस ह्यूमर. उसी तरह से हम लोग का विट्रियस ह्यूमर है, तो विट्रियस ह्यूमर का स्पेस अलग था, ये देख लेना इधर लिखा हुआ लेंस से रेटिना वाले. और इनका काम क्या होता है, जो हम लोग का एंट्रियर एक्वस है या फिर विट्रियस पोस्टीरियर है, तो जो एंट्रियर एक्वस है या फिर ये वाला इलाका है, मतलब हुआ विट्रियस ह्यूमर, इनका काम क्या है, तो ये आई लेंस को बेसिकली क्या करता है या फिर आई का स्ट्रक्चर को बेसिकली जो है ना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है मर्ज करने में, एक स्पेशलाइज्ड स्टेट या पोजीशन देने में. अब नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं जो कि थर्ड पार्ट है, किसका, जो कि थर्ड पार्ट है आई का. पहला क्या था अपना स्केलर, उसके बाद था हम लोग का कोचरॉइड और तीसरा था रेटिना. और जब बात किए कि इसके अलावा, मतलब स्केलर कोचरॉइड और रेटिना के अलावा भी कुछ कुछ कंपोनेंट कुछ कुछ पार्ट आई में पाया जाता है, जिसमें हम लोग पहला क्या डील किए थे, पहला हम लोग कॉर्निया, ये वाला ये कॉर्निया. दूसरा क्या डील किया, दूसरा डील किया था सीलियरी बॉडी. तीसरा था अपना आइरिस, तो आइरिस के बारे में हम लोग जाने कि आइरिस इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम विच कंट्रोल्स द प्रोबेबली हियर मिन टर्म ऑफ द प्यूपिल और आदर द साइज ऑफ द प्यूपिल. क्लियर, तो जब बात करेंगे फाइनल टचिंग पॉइंट की, जो कि हम लोग का है रेटिना, तो रेटिना को क्या क्या बोल सकते हैं, तो रेटिना इज दैट पोजिशन विद रेफरेंस टू द आई वेयर द इमेज विल बी लिटरली बीइंग फॉर्म्ड. ठीक है ना, रेटिना क्या है, रेटिना दरअसल वैसा पोजिशन है आई का जहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगा. क्लियर, और जब बात करेंगे आगे
कि योर रेटिना इज ऑफनली बीइंग डिवाइडेड विद रेफरेंस टू द थ्री वॉल और आइदर द सेल लाइक प्रोजेक्शन. मतलब रेटिना क्या अभी थ्री लेयर में डिवीजन हो गया, मतलब वो थ्री लेयर में बटा हुआ है. पहला लेयर को क्या बोलते हैं और दूसरे लेयर को क्या बोलते हैं और तीसरे लेयर को क्या बोलते हैं, ये देख लेना. रेटिना इनर मोस्ट लेयर, ठीक है ना, और सेकेंड लेयर. तो जो हम लोग का फर्स्ट लेयर हो जाएगा आउटर मोस्ट लेयर, उसको क्या बोलते हैं, गैंग्लियन सेल्स. दूसरे को क्या बोल देंगे, बायपोलर सेल्स. हाँ ठीक है ना. पहला लेयर को क्या बोल देंगे, रेटिना का गैंग्लियन सेल्स. दूसरे लेयर को क्या बोल देंगे, हियर मेंटा ऑफ द बायपोलर सेल्स. और तीसरे को क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स. इधर देख लेना, ये लिखा होगा आपका फोटो रिसेप्टर सेल्स, जो कि दरअसल बेसिकली थर्ड पोर्शन ऑफ आई रीजन में पाया जाता है. लिखा है ना, ये रेटिना थ्री लेयर, गैंग्लियन सेल्स, बायपोलर सेल्स, और ये है अपना फोटो रिसेप्टर सेल्स. अब जो है फोटो रिसेप्टर सेल्स, ये भी आगे चल करके दो कंपोनेंट में बटा हुआ है. किस में बटा है, जो हम लोग का थर्ड पोर्शन है फोटो रिसेप्टर सेल्स का, ये है रॉड सेल्स, और अदर सेकेंड है हम लोग का कोन सेल्स. तो कोन सेल्स जो है उसको बोलते हैं डेलाइट विजन. क्या बोलते हैं कोन सेल्स को, कोन सेल्स को दरअसल बोलते हैं डेलाइट विजन, ठीक है. क्योंकि जो कोन सेल्स दरअसल हमारे इन इलाकों में पाया जाता है, मतलब किस इलाके में, रेटिना के रीजन में पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स. तो इन कोन सेल्स का बेसिकली काम क्या है, ये कोन सेल्स हमें डे लाइट में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में अच्छी तरह से हेल्प करता है. दूसरा है हम लोग का क्या, दूसरा है हम लोग का ये मेंटा ऑफ द कोन सेल्स. तो कोन सेल्स को क्या बोल देते हैं, कोन सेल्स को बोलते हैं ट्यूलाइट विजन. मतलब बेसिकली दिन में भी हम लोग ठीक ठाक से देख लेते हैं कोन सेल्स की मदद से, और रात में जो लो इंटेंसिटी का लाइट रहता है उसमें कोई ऑब्जेक्ट पे जो इंटेंसिटी ऑफ रेज बीम फॉल कर रही है, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में सक्षम है, तो वो लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो भी इन के द्वारा प्रोसेस होता है उनको क्या बोल देते हैं, उनको बोलते हैं रोड बोलते हैं कौन, उनको बोलते हैं रोड सेल्स. और दूसरा हम लोग का क्या था, दूसरा था हम लोग का कौन सेल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म लाइट इफेक्ट. मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है ना उसको दरअसल अच्छे से देखने में दिन के टाइम में जो हम लोग का आँख का ये वाला भाग, ये जो है ना अपना फोटो रिसेप्टर सेल्स, यही आगे चल करके बढ़ जाता है किसमें, बेसिकली रॉड सेल्स और कौन सेल्स. तो जो बोल रहे हैं कि फोटो रिसेप्टर सेल्स उसी का तो भाग है जिसका नाम है रॉड सेल्स और कौन सेल्स. तो दरअसल अपना रॉड सेल्स क्या करेगा, रॉड सेल्स को बोलते हैं ट्यूलाइट विजन. मतलब हुआ कि वो दिन के रोशनी में भी किसी भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे बीम डाल करके किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअल करने में अहम भूमिका प्रदान करता है. दूसरी बात की है हम लोग कि इन बेसिकली रॉड सेल्स को हम लोग बोल देते हैं ट्यूलाइट विजन. मतलब क्यों इसको बोला गया ट्यूलाइट विजन, क्योंकि दिन के टाइम में भी जो हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ना सूरज की रोशनी में, उनको हम लोग अच्छे से देख सकते हैं, और फिर रात में भी अच्छे से देख सकते हैं. लेकिन जो हम लोग का क्या है कौन सेल्स, बेसिकली इज नोन एज द फोटो पीरियडिज्म लाइट इफेक्ट. मतलब क्या हो, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग डे लाइट में अच्छे से देखते हैं, वो इन फोटो रिसेप्टर सेल्स के कारण होता है, जो कि एक पार्ट है किसका, जो कि एक पार्ट है हमारे रेटिना का, ठीक है. उसके बाद हम लोग का एक और पार्ट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर. इधर कहीं लिखा हुआ है क्या, ये है ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल टू डू व्हाट, ऑप्टिकल फाइबर इज ऑल्सो अ पार्ट विद रेफरेंस टू योर आई डायग्राम प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल टू पास द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस विद रेफरेंस टू योर ब्रेन. क्या बोले कि ऑप्टिकल नर्व्स दरअसल वैसा ऑर्गेन है जो कि कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पास करने में अहम भूमिका प्रदान करता है हमारे ब्रेन तक. अब बोलोगे कि सर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्यों ट्रांसमिट होना चाहिए, या फिर जो करंट है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का केस, उसको हम लोग आगे समझेंगे. जो भी हम लोग का एक न्यूरोन है उसमें तीन चार पार्ट होता है, एक डेंड्राइट हो गया, उसके बाद है एक्सोन हो गया, उसके बाद नर्व एंडिंग. तो ये सारा कंबाइन करके बेसिकली एक जो है हल्का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है. मतलब बिल्कुल उसी तरह का इलेक्ट्रिसिटी रहता है लेकिन उसका थोड़ा मैकेनिज्म अलग है, जिसको हम लोग बाद में डील करेंगे. तो यहाँ हम लोग क्या समझे थे
कि किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हम लोग सक्षम हैं। तो ये दरअसल पॉसिबल कैसे हो रहा है, ये पॉसिबल हो रहा है हमारे डिफरेंट पार्ट, हमारे डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ आई के कारण, जिसमें हम लोग जाने कि जो सबसे आउटर मोस्ट टिश्यू या फिर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द आई का पार्ट है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलरा, दूसरा है कोट्रोइड, तीसरा है अपना रेटिना। उसके बाद हम लोग जाने कि इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट आई के स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जैसे कि क्या है कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या हो गया, बेसिकली कॉर्निया इज द पोर्शन, फाइंड ईयर, कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट पोर्शन, मतलब क्या हुआ एक पारदर्शी पोर्शन है, ठीक है। तो अंग्रेजी में क्या बोल देंगे, कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट इंटीरियर पोर्शन व्हिच इज प्रोबेबली हैविंग द लैक ऑफ और आइदर द स्कार्सिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कॉर्निया वो भाग है आँख का जहाँ पे नर्व्स वेसल्स जो है ना, या फिर ब्लड वेसल्स जो खून की नली होती है, वो नहीं पाई जाती, ठीक है ना। और ये दरअसल किसका पार्ट हो जाता है, ये दरअसल इसका पार्ट हो जाता है, मतलब स्केलरा का। सो यू कुड से दैट कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई व्हिच इज प्रोबेबली हैविंग द लैक ऑफ द ब्लड वेसल्स। यू कुड ऑल्सो से दैट कॉर्निया इज द पोर्शन और द एंटीरियर पोर्शन विद रेफरेंस टू योर स्केलरा, स्केलरा का कुछ भाग का ही इन्फीरियर पार्ट एंटीरियर पार्ट किस में डिनोट हो जाता है, इन ऑर्गेन में, मतलब कॉर्निया वाले इलाके में। तीसरा हम लोग समझे थे कि जो भी न्यूट्रिशन की मैकेनिज्म या फिर नरिशमेंट का जो जरूरत है ना, ये इन कॉर्निया को कौन सा ऑर्गेन प्रोवाइड कर देता है, ये बेसिकली बींग प्रोवाइडेड बाय द हेल्प ऑफ द लिम्फ व्हिच आर बींग प्रेजेंट इन टर्म ऑफ योर नियर बाय लोकेशन। चौथा हम लोग जाने, क्या जाने थे, कि दीज कॉर्निया आर स्लाइडली बींग बल्ब्ड आउटवर्ड, थोड़ा सा जो है ना बल्ब्ड आउटवर्ड रहता है, मतलब प्रोजेक्टेड आउटवर्ड रहता है, जैसे कोई जो ज़्यादा फूड खा लेता है फैट हो जाता है, क्या होगा उसका स्टोमक दरअसल बल्गिंग आउटवर्ड डायरेक्शन का हो जाएगा, जिस तरीके से हमारे चम्मच होते हैं ना स्पून, बिल्कुल उस तरीके से। सो दीज कॉर्निया आर लिटरली बींग बल्गिंग आउटवर्ड व्हिच इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर ट्रैकिंग द लाइट रेज प्रोबेबली, ऑफन दीज डू प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द एकोमोडेशन रादर द एक्यूमुलेशन विद रेफरेंस टू योर लेंस। तो ये जो जो हम लोग का कॉर्निया है ना, वो दरअसल क्या हो जाता है, थोड़ा सा स्लाइटली बग्ड आउटवर्ड हो जाता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ से प्रोजेक्टेड आउटवर्ड हो जाता है, जिसके द्वारा कुछ कुछ इंटेंसिटी और बीम ऑफ लाइट रेज अच्छे से फॉल होती है इन पे, और ये एक अहम भूमिका प्रदान करता है किसी भी लेंस पे जमावड़ा करने का लाइट का बीम का, ताकि अच्छी तरीके से इमेज का जो है ना फॉल विदड्रो ओवर का इमेज फॉर्मेशन लिटरली ऑकर हो सके। दूसरे में हम लोग बात किए कि वाट आर एक्चुअली द सिलियरी बॉडी, तो सिलियरी मसल्स एज वेल एज द सिलियरी वाट वेसल्स एज वेल एज द ब्लड वेसल्स। सो यू वुड से दैट सिलियरी बॉडी इज दैट ऑर्गन व्हिच इज प्रोबेबली बियरिंग द सिलियरी मसल्स ऑफ इन द ब्लड वेसल्स। और उसके बाद हम लोग दो तीन टर्म के बारे में और जाने थे, क्या जाने थे, कि बेसिकली दीज सिलियरी मसल्स आर दोज पोर्शन व्हिच इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर द एकोमोडेशन ऑफ आई केस, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी होगा, ये है ना ब्लड वेसल सारे चीज़ों का बना हुआ रहता है, और ये किसका दरअसल बना हुआ है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ योर कोचरोइड का, किसका बना हुआ है, एंटीरियर पोर्शन ऑफ योर कोचरोइड का। और तुम लोग ये भी बोल सकता है द कर्वेचर ऑफ आई लेंस आर लिटरली बींग चेंज बाय द हेल्प ऑफ योर सिलियरी मसल, मतलब क्या हुआ कुछ भी डिग्री किसका आई लेंस का बेसिकली चेंज हो जाता है, किनकी मदद से, ये सिलियरी बॉडी या फिर सिलियरी मसल्स की मदद से। लास्ट में हम लोग डील किए थे कि वाट आर एक्चुअली द रेटिना, तो रेटिना इज नथिंग बट प्रोबेबली दैट पोर्शन ऑफ द आई वेयर द इमेज फॉर्मेशन विल लिटरली ऑकर। उससे पहले हम लोग बात किए कि आयरिस क्या होता है, सो आयरिस इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम, आयरिस इज व्हाट, आयरिस इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम व्हिच लिटरली कंट्रोल्स द साइज ऑफ योर प्यूपिल, ये लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ है आयरिस। और दूसरा एक पोर्शन लिखा हुआ था कि आयरिस इज द विजुअल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई, और आइदर द आयरिस इज द विजुअल कलर्ड पार्ट ऑफ योर आई, मतलब आँख का कोई भी विजुअल हिस्सा हो आयरिस बोल दिया इन्होंने। और दूसरा क्या बोला गया है कि आयरिस इज द डार्क मस्कुलर ओपेक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच लिटरली कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, ठीक है। और प्यूपिल के बारे में हम लोग को पता है कि प्यूपिल इज दैट पार्ट विद रेफरेंस टू योर आई
which literally controls the amount of light entering into our eyes. तो दूसरा mechanism है iris का, जो कि दरअसल एक dark muscular opaque structure का होता है, जो कि pupil का size को control कर देगा. ठीक. अब उसके बाद हम लोग deal किए थे कि ढेर सारा component है जिसे हम लोग का retina है. उसके बाद क्या हुआ, कुछ कुछ subsidiary ligament है जो कि दरअसल attach हो जाता है किसके साथ, जो subsidiary ligament है ये अटैच हो जाता है हम लोग का सिलीडी बॉडी या फिर सिलीडी मसल्स के साथ, और ये एडजस्ट करता है किसके पोजीशन को, लेंस को. दूसरा हम लोग डील किए कि हम लोग का जो आई बॉल है ये भी फाइनली डिवाइड होकर के आगे दो चैम्बर में बढ़ जाता है. ये लिखा है ना, द आई बॉल इज बीइंग डिवाइडेड इन टर्म ऑफ द टू चैम्बर. ठीक है, तो जो हम लोग का आई बॉल है वो दो चैम्बर में बढ़ जाता है किसके द्वारा, दरअसल लेंस के द्वारा, और उनका नाम क्या है, एंटीरियर एक्वस, दूसरा है पोस्टीरियर विट्रियस. जब बात की कि एंटीरियर एक्वस क्या होता है, सो एंटीरियर एक्वस इज लिटरली प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर व्हाट, प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेकिंग द आई लिटिल विस्कसियस, एंड इट इज पार्टिकुलरली दैट ऑर्गेन विच इज बींग प्रजेंट इन टर्म ऑफ योर दिस रीज, कॉर्निया एंड लेंस के बीच में जो गैप पाया जाएगा, क्या बोले, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो तरल पदार्थ का गैपिंग पाया जाता है ना, वो एंटीरियर एक्वस या फिर एक्वस ह्यूमर का होता है. दिस प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस, किसमें हेल्प करता है, वाटर बैलेंस. अब सारे को इसको लिख लेना अच्छे से. तो करना क्या है, करना ये है कि अच्छे से जो है राहुल बायोलॉजी ट्यूटोरियल का जो लेक्चर आ रहा है अटेम्प्ट करो, तो फिर एग्जाम देने में भी दिक्कत नहीं होगा. ये सारा एक्सपेरिमेंटल किया हुआ, मतलब जो रिसर्च है ना उसके बाद ये नोट्स बनता है, ऐसे नहीं बनता. जहाँ तक होता है एनसीईआरटी बुक पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ ट्रिक है ना वो मैजिक ट्रिक इधर से ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा. गारंटी लेते हैं 100% नहीं लेते, लेकिन 85% जरूर लेते हैं कि अगर अटेम्प्ट करेगा तो अच्छा स्कोर कर पाएगा. ठीक है, तो करना क्या है बाबू, जो राहुल बायोलॉजी ट्यूटोरियल का चैप्टर है, टॉपिक है, सारे वीडियो को देखो, और जिनका जो लिंक आ रहा है कहाँ पे, YouTube पे, उसको दरअसल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर लेना, और दरअसल क्या करना है, सब्सक्राइब लाइक शेयर करना है. ठीक है, और दोस्तों को भी बांट देना ताकि जो है कुछ सीखने को मिल जाए, होता है ना कुछ गिफ्ट फ्रेंड में दे देते, जैसे चॉकलेट्स हो गया, उसके बाद कुछ टीचर्स को गिफ्ट करते पेन मार्कर, कुछ फ्रेंड्स को क्लोथ गिफ्ट करते, तो अपने फ्रेंड को ये गिफ्ट कर देना, बोलना कि सर ने कुछ पढ़ाया एजुकेशन के रिलेटेड जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है. चलो ठीक है, नमस्कार, सत श्री अकाल, अदाव, ओला केमचो, कैसा है, फाइन होगा सर, मजे में है ना. ठीक है, नमस्कार. तो एक बार जो जो जुड़ा था इस चैनल से उसको धन्यवाद, जो भी भाई सिस्टर बहन फ्रेंड्स बेसिकली स्टूडेंट्स जुड़ा है उन सारे को थैंक यू, और देखते रहो और आगे बढ़ते रहो. चलो फिर भी थैंक यू, फाइन, बाय. ठीक है, टाटा.